मुरैना के शासकीय स्कूल क्रमांक 5 की ये तस्वीरें देखिए। स्कूल के चारों तरफ गंदगी का ढेर है, कचरे का अंबार है और चारों तरफ फैला गोबर। ऐसे में स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, शायद कोई नहीं भेजेगा। पर ऐसे हालातों में भी कुछ छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन ने तो स्कूल चले अभियान के साथ स्कूल खोल दिए, पर इन हालातों को देखकर छात्र भी कह रहे हैं कि ऐसे में आखिर कैसे स्कूल चले हम। ग्रामीण अंचल तो छोड़िए, शहर के स्कूलों में भी गंदगी पसरी हुई है। कहीं स्कूल तो कहीं स्कूल के बाहर गोबर और गंदगी के ढेर लगे हैं। शहर में नगर निगम समय समय पर सफाई अभियान तो चलाता ही है, लेकिन शिक्षण संस्थानों के आसपास पसरी गंदगी पर निगम अमले का ध्यान भी नहीं पहुंचता और शिक्षण संस्थाओं के परिसर और बाहर पसरी गंदगी साफ ही नहीं की गई। किनारे जितने मकान सब बने हैं, इनके सब गेट को निधरी कर ले और इनको कोई रोकने वाला तो है भाई। कह हम कहें जैसे यहाँ कर ले तो भी कोई सुनते नहीं। और ये पशु गोबर का इनका भी उनको पहले शिकायतें करती रही, बाद में जब आए थे यहाँ पर तो उसका कोई सारांश नहीं निकला और ज़्यादा कहो तो उसका सुनने नहीं मिलता है। कब्रिस्तान के पीछे मौजूद शासकीय मिडिल स्कूल क्रमांक 5 और प्राइमरी स्कूल परिसर में गोबर के ढेर लगे हैं। इस विद्यालय में 55 के करीब बच्चे और 5 शिक्षकों का स्टाफ मौजूद है, लेकिन पढ़ने के लिए एक या दो बच्चे ही रोजाना आते हैं। आलम यह है कि यहाँ पढ़ने को बच्चे तो नहीं आते, पर कोई आता है तो वो है पशुपालक, जो यहाँ गोबर डंप कर जाते हैं, जिसके चलते बारिश में तो स्कूल का रास्ता ही बंद हो जाता है। स्कूल के गेट पर बगल में और पीछे चारों तरफ गोबर के ढेर लगे हैं। स्कूल परिसर में भी दबंगों ने मकान के गेट पर कब्जा कर लिया है। ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, यदि इस प्रकार की कोई भी अतिक्रमण की परिस्थिति है, हम आज ही अभी तत्काल वहाँ पे टीम भेज रहे हैं। अगर कुछ भी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पशुधन वाले और उससे होने वाली जो गंदगी की आपने बात कही, आसपास के उस एरिया में रिहायशी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा गौवंश और भैंसवंश रखे गए हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी नगर निगम के माध्यम से उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे कि वो पशुधन और उनके से निकलने वाला जो भी कचरा है उसको स्कूल या ऐसी सार्वजनिक जगह पे निपटान न करें। भले ही प्रशासन ने स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत कर दी हो और प्रवेश उत्सव कार्यक्रम भी पूरा कर लिया हो, पर स्कूल और शिक्षा व्यवस्था के हालात अभी भी वही हैं। स्कूलों के आसपास फैली गंदगी, कचरे का अंबार और स्कूलों तक पहुंचने में हो रही मुश्किलें, तो सवाल यही है कि ऐसे कैसे सफल होगा स्कूल चले अभियान।